हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप में से अक्सर वायरलेस आईएसपी ऑपरेटर दोस्त यूबीएनटी का लाइट एपी एसी 120 डिग्री इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर अपने पुराने M5 सिस्टम को इसके साथ अपग्रेड करने का सोच रहे होंगे। मैं हूं चाचा मैकेनिक और आज हम यूबीएनटी का लाइट एपी एसी 120 डिग्री की कॉन्फ़िगरेशन और माउंटिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लाइट एपी एसी वायरलेस ऑपरेटर्स के लिए कम कीमत के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। ये बहुत ही लाइट वेट है। रेडियो और सेक्टर एंटीना का टोटल वेट 1 पाउंड से भी कम है, जिसकी वजह से इसकी माउंटिंग और अलाइनमेंट काफ़ी आसान है। ये 120 डिग्री की कवरेज देता है और अगर आपको 360 डिग्री यानी चारों तरफ कवरेज चाहिए तो जाहिर है ये 3 लगाने पड़ेंगे। अक्सर दोस्त 3 लाइट एपी एसी की जगह 1 ओमनी को प्रेफर करते हैं, पर एक 5 गीगा ओमनी एंटीना और रॉकेट की कीमत 3 लाइट एपी सेक्टर्स के तकरीबन बराबर ही है। पर एफिशिएंसी में जाहिर है 3 लाइट एपी सुपर एफिशिएंट हो सकते हैं, क्योंकि 1 लाइट एपी की मैक्सिमम थ्रोपुट तकरीबन 450 मेगाबिट तक है और 3 सेक्टर्स मिलकर आपको 1 गीगाबिट प्लस की थ्रोपुट दे सकते हैं, जबकि सिंगल रॉकेट M5 150 मेगाबिट तक और रॉकेट एसी या लाइट 450 मेगाबिट तक डाटा हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तमाम यूबीएनटी डिवाइसेस की तरह लाइट एपी एसी का डिफॉल्ट आईपीवी 192.168.1.20 ही होता है। डिवाइस को ऑन करने और पीसी या लैपटॉप से अटैच करने के बाद आप अपना वेब ब्राउजर ओपन करें और डिवाइस का आईपी एक्सेस करें। सिक्योरिटी वार्निंग को बाईपास करें। सबसे पहले कंट्री सिलेक्शन है। मैं यहाँ ब्राज़ील सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ का स्पेक्ट्रम पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज अलाउड हैं। एग्रीमेंट टिक करें और कंटिन्यू करें। यहाँ आपको अपलोड बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपने ऑलरेडी कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट सेव किया हुआ है तो डिवाइस के मुख्तलिफ सेटिंग अलग अलग से कॉन्फ़िगर करने से बचने के लिए आप वो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से रीस्टोर करके अपना टाइम बचा सकते हैं। इसलिए एक दफ़ा की हुई सेटिंग्स को बैकअप कर लें और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस ऑप्शन से इसको रीस्टोर करके आप टाइम ज़ाय होने की परेशानी से बच सकते हैं। कंटिन्यू प्रेस करने से लॉगिन पेज आ जाएगा। M5 डिवाइसेस का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो UBNT होता है, जो कि बाद में चेंज करना पड़ता है, पर AC डिवाइसेस स्टार्ट में ही कस्टम पासवर्ड सेट करवाती हैं। तो यहाँ हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड को सेव करने के बाद हमारे सामने डिवाइस का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ आपको डिवाइस का स्टेटस मिलेगा जिसमें तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन शामिल है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी वायरलेस डिवाइस स्पेशली UBNT डिवाइसेस को इस्तेमाल करने या कॉन्फ़िगर करने से पहले इसका फर्मवेयर अपग्रेड करना ज़रूरी है। फर्मवेयर अपग्रेड करने से डिवाइस लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट कर सकती है, इसलिए हम सबसे पहले इसका फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे। डिवाइस की सेटिंग्स पर क्लिक करें। सेटिंग्स में 4 टैब्स वायरलेस, नेटवर्क, सर्विसेज और सिस्टम हैं। फर्मवेयर को चेक करने के लिए हम सिस्टम टैब में आएंगे, जहां ये फर्मवेयर सेक्शन है और यहां इसका फर्मवेयर 8.5.9 है। मैंने ubnt.com/download पर चेक किया है और वहाँ मुझे इसका लेटेस्ट फर्मवेयर 8.6.1 मिला है, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसको अपलोड करने के लिए अपलोड का ऑप्शन लूँगा और फाइल सिलेक्ट करूँगा। फाइल सिलेक्ट करते ही अपलोडिंग शुरू हो गई है। अपलोड कंप्लीट होने पर डिवाइस फाइल की इंटीग्रिटी और कंपेटिबिलिटी चेक करेगी। अगर तो फाइल कंपेटिबल है तो अपडेट का ऑप्शन प्रॉम्प्ट होगा, पर अगर आपने कोई नॉन कंपेटिबल या करप्ट फाइल अपलोड की तो डिवाइस एरर शो कर देगी। अपडेट प्रेस करने से डिवाइस अपग्रेडेशन शुरू कर देगी। अपग्रेडेशन प्रोसेस 3 से 5 मिनट ले सकता है। अपग्रेड होते हुए खास ख्याल रखें कि डिवाइस या डिवाइस की पावर डिस्कनेक्ट ना हो, वरना आपकी डिवाइस फारिग हो सकती है। अपग्रेडेशन प्रोसेस कंप्लीट होने पर डिवाइस रीस्टार्ट होगी। दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद सेटिंग्स में इसकी अपग्रेडेशन चेक हो सकती है। यहाँ इसका वर्जन अब 8.6.1 है। अब पुराने और नए फर्मवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस तो आप यहीं देख सकते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन में सेटिंग्स की कैटेगरीज के टैब पेज के टॉप पर थे, जबकि नए वर्जन में ये टैब्स आपको यहाँ लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं। तो अब आते हैं लाइट एपी के एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। सबसे पहले तो जाहिर है हम इसके वायरलेस टैब में आएंगे, जहाँ से हम इसकी वायरलेस प्रॉपर्टीज एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको टॉप पर वायरलेस मोड नजर आएगा, जिसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने इस डिवाइस को एक्सेस पॉइंट बनाकर इसके साथ एक ही स्टेशन लिंक करना है तो एक्सेस पॉइंट PTP यानी पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इस डिवाइस के साथ एक से ज्यादा AC डिवाइसेस यानी स्टेशंस कनेक्ट करने हैं तो एक्सेस पॉइंट PTMP यानी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयरमैक्स AC सेलेक्ट करेंगे। इस मोड में सिंपल M5 डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकेंगी। ये मोड सिर्फ उस वक्त सिलेक्ट करें जब आपने इसके साथ सिर्फ AC डिवाइसेस जैसे कि लाइट बीम AC,
पावर बीम एसी या लोको एसी वगैरह कनेक्ट करने हैं। पर अगर आपके नेटवर्क में सिर्फ M5 या साथ में एसी डिवाइसेस भी हैं तो आप एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स मिक्स मोड सिलेक्ट करेंगे। इस मोड में ये डिवाइस तमाम एयर मैक्स डिवाइसेस को सर्व करेगी पर दूसरी कंपनीज की नॉन एयर मैक्स डिवाइसेस को नहीं। इसके बाद स्टेशन PTP मोड है, यानी अगर आपने इस डिवाइस को पॉइंट टू पॉइंट लिंक का स्टेशन बनाना है तो ये मोड इस्तेमाल करेंगे। पर इस मोड में जिस एपी के साथ आपने कनेक्ट करना है उसकी सेटिंग एक्सेस पॉइंट PTP होनी चाहिए। और सबसे आखिर में स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, यानी अगर आपने इस डिवाइस को किसी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एक्सेस पॉइंट का स्टेशन बनाना है तो ये मोड सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ चूंकि हमने इस लाइट एपी को काफी सारे स्टेशन कनेक्ट करने के लिए यूज करना है जिनमें AC और M5 दोनों किस्म की डिवाइसेस हो सकती हैं, तो हम इसको एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स मिक्स मोड पर रखेंगे। नए फर्मवेयर में ये इन्फॉर्मेशन फीचर है जिसमें आप जो मोड या सेटिंग सिलेक्ट करेंगे डिवाइस आपको इस मोड और सेटिंग में अपनी कनेक्शन और डिस्टेंस की कैपेसिटी कैलकुलेट करके बता देगी। जैसे यहाँ इन्फॉर्मेशन आई है कि इस मोड में इसके साथ मैक्सिमम 85 क्लाइंट्स और 22.5 किलोमीटर तक लिंक हो सकता है। अपनी मर्जी का SSID रखें। चैनल विड्थ 40 मेगाहर्ट्ज़ ठीक है, पर अगर आपकी लोकेशन पर स्पेक्ट्रम ज्यादा ऑक्यूपाइड है तो आप 20 मेगाहर्ट्ज़ पर भी ऑपरेट करवा सकते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है, यहाँ आप ऐसी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करें जिस पर इंटरफेरेंस कम से कम हो। M5 डिवाइसेस की तरह AC डिवाइसेस के टूल्स में भी साइट सर्वे टूल मौजूद है जिससे आप अपनी लोकेशन पर यूज होने वाली फ्रीक्वेंसीज को लिस्ट करवा सकते हैं। पर AC डिवाइसेस में एक जबरदस्त फीचर यह है कि इसके डैशबोर्ड पर स्पेक्ट्रम एनालाइजर बार हर वक्त शो हो रही होती है जहां से आप ज्यादा इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी खाली है। डिवाइस की फ्रीक्वेंसीज को माउंट करने के बाद सिलेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इंटरफेरेंस की ट्रू पिक्चर आपको इसको माउंट करने के बाद ही मिलेगी, और चूंकि डिवाइस ने वहीं ऑपरेट करना है तो आप इसको उस जगह के मुताबिक कॉन्फ़िगर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वायरलेस सिक्योरिटी में आप इस डिवाइस पर पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई गैर जरूरी या एलियन डिवाइस कनेक्ट ना हो सके। पर अगर आप इस डिवाइस से पहले कोई फायरवॉल या सर्वर वगैरह यूज कर रहे हैं तो शायद आपको इसकी जरूरत ना पड़े। इसके साथ हमें वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन का एक नया फीचर नजर आ रहा है, मुझे इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं पर मुझे लग रहा है कि इसको ऑन कर देना चाहिए। इसके नीचे मैक ACL है जिसके थ्रू आप अपने वांटेड मैक एड्रेसेस को अलाउ या अनवांटेड मैक एड्रेसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। TDD फ्रेमिंग टाइम डिवीजन का कंट्रोल है जिसमें डिवाइस ज्यादा लोड वाले स्टेशन को ज्यादा और कम लोड वाले स्टेशन को कम ट्रांसमिशन टाइम एलोकेट करता है। इसको फ्लेक्सिबली रखें ताकि आपकी डिवाइस रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइम एलोकेशन को चेंज करती रहे। अगर आपने इस डिवाइस से कनेक्टेड क्लाइंट्स को आपस में आइसोलेट रखना है तो क्लाइंट आइसोलेशन को ऑन कर दें, इससे एक क्लाइंट का डाटा दूसरे क्लाइंट को पास नहीं होगा। पर सपोज अगर आप इस डिवाइस से कनेक्टेड किसी क्लाइंट पर IP कैम इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी आउटपुट आपको किसी दूसरे क्लाइंट पर चाहिए तो क्लाइंट आइसोलेशन को ऑफ ही रखें। कैलकुलेट EARP के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल से बता चुका हूं। अगर आपने इस डिवाइस की आउटपुट पावर मैनुअली कंट्रोल करनी है तो इसको ऑफ कर दें, पर अगर आप चाहते हैं कि डिवाइस खुद कैलकुलेट करे कि आउटपुट कितनी रखनी है तो इसे ऑन रहने दें। मैं इसको ऑफ करूंगा और डिवाइस की आउटपुट पावर को मैक्स कर दूंगा ताकि ये डिवाइस ज्यादा फासले तक डिटेक्टेबल हो। ऑटो एडजस्ट डिस्टेंस को ऑन रखें ताकि डिवाइस अपने साथ कनेक्टेड क्लाइंट्स में से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाले क्लाइंट के मुताबिक अपना ट्रांसमिशन डिले एडजस्ट कर ले। ये कंट्रोल डिवाइस की रेंज पर असर नहीं करता, इसलिए यहाँ से डिवाइस की रेंज बढ़ाने की कोशिश ना करें। मैक्स ट्रांसमिशन डाटा रेट को ऑटो पर रहने दें ताकि डिवाइस हर क्लाइंट की कनेक्शन क्वालिटी के मुताबिक ऑटो एडजस्ट करे। डाटा रेट मॉड्यूल को भी ऑटो ही रहने दें। इसके बाद नेटवर्क टैब में आ जाएं। नेटवर्क मोड ब्रिज ही होगा ताकि हर क्लाइंट की ट्रैफिक अलग रहे। स्टैटिक IP दें और अगर जरूरत हो तो गेटवे भी चेंज करें। STP को ऑन करें और ऑटो IP एलियासिंग को ऑन करें ताकि मल्टीपल नेटवर्क्स की एक्सेस अवेलेबल रहे। सर्विसेज टैब में आ जाएं, जहां आप डिस्कवरी और CDP यानी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल को ऑन कर दें। सिस्टम टैब में आ जाएं, यहां आप अपनी डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हैं जो आपके सिस्को या माइक्रोटिक राउटर की नेबर लिस्ट में शो होगा। यहां हमारी कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन कंप्लीट है। सेव प्रेस करने से तमाम टैब्स पर की हुई सेटिंग अप्लाई होंगी और डिवाइस अपने नए IP एड्रेस पर एक्सेस होगी। दोबारा से लॉग इन करें और कंफर्म करें कि आपकी की हुई तमाम सेटिंग्स अप्लाई हो गई हैं। यहां हमारी लाइट AP माउंटिंग के लिए रेडी है, पर जरूरी नहीं कि आप डिवाइस को कॉन्फ़िगर करके माउंट करें, आप डिवाइस को माउंट करके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। किसी भी वायरलेस डिवाइस की माउंटिंग इसकी परफॉर्मेंस में की रोल प्ले करती है। आप किसी एवरेज कैटेगरी की डिवाइस को ठीक से माउंट करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, पर किसी हाई परफॉर्मेंस डिवाइस को गलत माउंट करके रिजल्ट को स्पॉइल भी कर सकते हैं। मैंने 2 किलोमीटर के फासले पर पावर बीम्स को फेल होते और 15 किलोमीटर के फासले तक लाइट AP को एफिशिएंटली काम करते देखे। किसी भी लिंक पर काम करने से पहले इसकी फिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लें।
फिजिबिलिटी में बुनियादी चीज लाइन ऑफ साइट है, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। UBNT लिंक की फिजिबिलिटी के लिए आप UBNT एयर लिंक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज माउंटिंग साइट पर अटेनुएशन और सिग्नल रिफ्लेक्शन को नजर में रखना है। जैसे कि अगर आप किसी टावर पर काम कर रहे हैं तो अपनी डिवाइस को कभी भी टावर के पोल पर डायरेक्टली ना लगाएं। क्योंकि टावर मेटल है और ग्राउंडेड भी है, इसलिए ये डिवाइस की ट्रांसमिशन को अब्सॉर्ब करके ग्राउंड करता है, जिससे आपकी डिवाइस का सिग्नल लेवल कम हो जाता है। टावर पर इंस्टॉलेशन के लिए हमेशा स्टैंड ऑफ्स यूज करें, ताकि आपकी डिवाइस के सिग्नल ऑब्जॉर्ब होने की बजाय दूसरी डिवाइस तक पहुंचे और लिंक बेहतर काम करे। इसी तरह अगर आपकी डिवाइस के करीब कोई बड़ी रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसे कि साइन बोर्ड या बिल्डिंग वगैरह है, जिससे ऐसा एंगल बन रहा है कि दूसरी साइड के सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर आपकी डिवाइस पर रिसीव हो रहे हैं, तो ये सिग्नल शैडो जनरेट करेगा, जिससे डिवाइस को सिग्नल्स एक से ज्यादा दफा रिसीव होंगे। इससे ट्रांसमिशन रिसेप्शन में एरर्स आएंगे और आपके CCQ का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिग्नल अटेनुएशन यानी अब्सॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन को जितना अवॉइड करेंगे, आपके लिंक की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। मैं जल्दी मुख्तलिफ एंटेनास के इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में एक वीडियो करूंगा, उम्मीद है उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दें। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपके किसी दोस्त को इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। सब्सक्राइब प्रेस करें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।